अर्णब गोस्वामी को जो अरेस्ट किया गया था वो इलीगल था। रायगढ़ पुलिस ने जो उनकी अरेस्ट की थी वो लीगल नहीं थी। इस बात को चैलेंज करते हुए अर्णब गोस्वामी ने एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की थी। आज उस याचिका पर सुनवाई थी। तो क्या हुआ कोर्ट में, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। दरअसल इस याचिका पर सुनवाई के लिए आया जस्टिस शिंदे की बेंच थी और जो एडवोकेट पोंडा है अर्णब गोस्वामी के, उन्होंने कहा कि पिटीशन में हमें कुछ ग्राउंड्स ऐड करने हैं, नेक्स्ट वीक के लिए इसको किया जाए। जिस पर जस्टिस शिंदे ने कहा कि ठीक है, और साथ में एडवोकेट पोंडा ने इस बात की रिक्वेस्ट की कि आप जो है ये मैटर अगले हफ्ते हाई ऑन बोर्ड रखिए, यानी कि थोड़ा जल्दी आए तो अच्छा होगा। जिस पर जस्टिस शिंदे ने कहा कि पिछली बार जो आपका इंटरिम ऑर्डर था, हमने सैटरडे को बेंच बैठी थी, उस पर सुनवाई हुई थी, आपने हमें कोर्ट में धन्यवाद दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे 500 मैसेजेस आए थे इस बात की आलोचना करते हुए कि आपने ये मैटर सैटरडे को क्यों रखा, कोर्ट क्यों खोला, एक स्पेशल इसके लिए क्यों जो है स्पेशल हियरिंग हुई सैटरडे को। जिस पर जस्टिस शिंदे ने कहा कि हम जो है आपका जो डिमांड है कि हाई ऑन बोर्ड रखा जाए, ऐसा नहीं होगा, हाई ऑन बोर्ड या लो ऑन बोर्ड, आपका जो है मैटर जब आएगा तब आएगा। तो अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी। तो अर्णब गोस्वामी की जो अरेस्ट हुई थी वो इलीगल थी। इस बात को चैलेंज करते हुए अर्णब ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज मैटर आना था, लेकिन अब ये मैटर 16 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है सुनवाई होगी। मैं आपको याद दिला दूं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत याचिका अर्णब की खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जमानत दी गई थी।